साल 2000 के कुछ शुरुआती सालों में रजत बेदी बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर थे, लेकिन कोई मिल गया फिल्म ने रजत बेदी को ऐसा झटका दिया कि उनकी जिंदगी बदतर हो गई। उन्हें मुंबई छोड़कर कनाडा बसना पड़ा। 40 फिल्मों में काम करने के बाद भी रजत कंगाल हो गए। रजत ने पहली बार मुकेश खन्ना को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे कोई मिल गया ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी। रजत ने कहा कि कोई मिल गया फिल्म में उनका काफी पावरफुल कैरेक्टर था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उनके कई सारे सीन्स को काट दिया गया। रजत ने बताया कि इंडस्ट्री में रहने के बाद वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे, इसी वजह से वो भारत छोड़कर कनाडा बस गए। जब रजत से उनके डिप्रेशन की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, कोई मिल गया के हिट होने के बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं मिला। फिल्म में मेरे प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन के साथ काफी सारे सीन्स थे। फाइनल कट के बाद मेरे कई सारे सीन्स काट दिए गए। सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब कोई मिल गया के प्रमोशन और पब्लिसिटी से मुझे दूर रखा गया। मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि एक एक्टर होने के नाते मेरी बहुत सारी उम्मीदें थीं, इसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मैं कनाडा चला गया। रजत ने बताया कि इसके बाद वो सनी देओल के साथ एक फिल्म कर रहे थे। फिल्म के बाद उन्हें जो चेक मिले वो सभी बाउंस निकले। रजत ने कहा कि मुझे लगा कि ऐसे तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे फिल्में मिल रही थी, नेम और फेम भी मिल रहा था, लेकिन पैसे नहीं मिल पा रहे थे। मुझे घर भी चलाना था। मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जो उस वक्त 2000 करोड़ की कंपनियां चला रहे थे। कोई मिल गया साल 2003 में रिलीज हुई थी। इसमें रजत निगेटिव किरदार में थे। फिल्म ने कई अवार्ड जीते लेकिन उनमें रजत की सफलता को कभी नहीं गिना गया। रजत बेदी ने साल 1998 में आई फिल्म 2001 से एक्टिंग में डेब्यू किया था। रजत ने इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंडियन और जानी दुश्मन जैसी कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने ज्यादातर विलेन के किरदार ही निभाए, लेकिन बावजूद उसके ना ही उनकी तारीफ हुई और ना ही उन्हें अच्छा पैसा मिल सका, जिसके चलते उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ गया। वेल, आप क्या कहेंगे रजत के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।